कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद किसी के पास नहीं है। एक तरफ राजस्थान में सियासी संकट, विधायकों की खुली बगावत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विवाद पर विवाद, और दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का लगातार पार्टी छोड़ने का दौर अनवरत जारी है। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 45 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने महाजन को पार्टी में शामिल करवाया। गोयल ने कहा कि हर्ष महाजन को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। वहीं हर्ष महाजन की चंबा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि हर्ष महाजन 2003 से 2008 तक वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खास भरोसेमंद लोगों में शामिल थे। साथ ही उन्होंने उस वक्त वीरभद्र सिंह के नए विधानसभा हलके अर्की का चुनाव प्रबंधन भी देखा था। जब वीरभद्र सिंह को पूरे प्रदेश के चुनाव की कमान संभालनी थी, हर्ष महाजन वर्ष 1993 से 2007 तक 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 2003 में महाजन कैबिनेट मंत्री बने और 2012 में राज्य सहकारी बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि देश भर में कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी थी। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब हो रही है, जबकि इसी साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हर्ष महाजन की साफ छवि की बात कही और कहा कि हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि महाजन ने 45 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य किया, उनकी एक साफ छवि है, युवा कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, बाद में विधानसभा के मुख्य सचेतक थे। हर्ष महाजन को पार्टी में शामिल कराने के दौरान कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि हर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाजन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए हैं। वह हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करने के लिए भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और उत्तराखंड जैसा हिमाचल प्रदेश इतिहास रचने के लिए तैयार है। भाजपा वहां सत्ता में लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस अब राज्य में पतवार विहीन है। कांग्रेस अब प्रदेश में दिशाहीन है। जमीनी स्तर पर न कोई नेता है, न दूरदृष्टि और न कोई कार्यकर्ता, केवल पारिवारिक जागीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।